दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मेरा न्यू हेलमेट। सो चलिए कवर निकालते हैं एंड देखते हैं कि ये कौन सा हेलमेट है। सो ये रहा मेरा न्यू हेलमेट MT Thunder 3 SV। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हेलमेट है एंड बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है वाइट रेड एंड ब्लैक में। एंड ये जो ग्राफिक है, ये ग्राफिक है आइल ऑफ मैन रेस का, जो आप सब जानते होंगे कि सबसे डेंजरस रोड रेस होती है आइल ऑफ मैन। सो वो ग्राफिक है बाय MT। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हेलमेट में कैसा है। सो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिन के यहाँ पे वेंट दिया गया है, जो आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ओपन रखेंगे तो एयर इन जाएगी एंड आपके चिन गार्ड के यहाँ से एयर आउट आएगी, जो कि आपके वाइजर पे फॉगिंग को प्रिवेंट करेगी। देन यहाँ पे अगर हम साइड में देखते हैं तो यहाँ पे सनग्लास वाइजर को अप डाउन करने का मैकेनिज्म दिया गया है। एंड देन यहाँ पे साइड में वाइजर के लिए क्विक रिलीज मैकेनिज्म दिया गया है, जो कि आप ये बटन प्रेस करेंगे तो वाइजर बाहर आ जाएगा। देन आप ये वाइजर निकाल के इसको क्लीन करके वापस इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप वाइजर चेंज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वाइजर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो बाय डिफॉल्ट कंपनी के साइड से इसमें पिन लॉक वाइजर लगा हुआ नहीं आता है, बट आप वो एडिशनल प्राइस पे उसको परचेज कर सकते हैं। उसकी प्राइस लगभग अराउंड 1750 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे ऊपर भी वेंट दिया गया है फॉर एयर इनटेक एंड यहाँ पे पीछे वेंट दिया गया है एयर आउटफ्लो के लिए। सो वेंटिलेशन इस हेलमेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ये हेलमेट काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा टूरिंग के लिए। सो अब आते हैं हम इस हेलमेट के सर्टिफिकेशन के बारे में। सो ये जो हेलमेट है ये शार्प 4 सर्टिफाइड है। ये हेलमेट में अगर पीछे देखेंगे यहाँ पे तो इसमें ECE सर्टिफिकेशन, जो कि यूरोपियन सर्टिफाइड एंड USA की सर्टिफिकेशन डॉट सर्टिफिकेशन इसको मिली हुई है। सो ये ड्यूल सर्टिफाइड है एंड इसका जो वेट है लगभग अराउंड 1600 ग्राम्स है। सो काफ़ी अच्छा हेलमेट है ये। सो अब आप वंडर कर रहे होंगे इसकी प्राइस क्या है। सो इसकी जो प्राइस है वो है 6250 रुपीज़ इंडिया में। एंड इसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इसके ऊपर भी एक मॉडल है जो अराउंड 7500 रुपीज़ का है, जिसमें आपको सनग्लास वाइजर नहीं मिलेगा। मुझे स्पेक्टाकल्स है इसलिए मुझे सनग्लास वाइजर की बहुत ज़रूरत थी, सो मैंने ये मॉडल सेलेक्ट किया। इसके नीचे भी मॉडल्स मिल जाएंगे आपको, इसके ऊपर भी मॉडल मिल जाएंगे। MT जो ब्रांड है ये यूरोप का एक ब्रांड है, बेसिकली स्पेन की कंपनी है एंड हेलमेट्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इवन इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। सो अब आते हैं नीचे एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लाइनर्स की भी पैडिंग एंड कुशनिंग बहुत अच्छी दी गई है, बहुत अच्छे क्वालिटी के पैडिंग दी गई है अंदर। एंड ये जो लाइनर्स हैं अंदर के, ये फुल्ली रिमूवेबल है। आप तीनों लाइनर्स ये निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं एंड देन वापस आप इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये हेलमेट में डबल डी रिंग नहीं दिया गया है, बट जो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है एंड ईजीली खुलता नहीं है। हम राइडर्स मोस्टली टूरिंग करते हैं एंड लंबे राइड्स पे जाते हैं, तो ये हेलमेट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लूटूथ एंड इंटरकॉम लगाने का के लिए कैविटी दी गई है। सो आप इजीली इसमें ब्लूटूथ या अपने इंटरकॉम सिस्टम्स लगा सकते हैं एंड ये हेलमेट को कंफर्टेबली आप यूज़ कर सकते हैं फॉर टूरिंग पर्पस। आई एम श्योर आपको ये हेलमेट काफ़ी पसंद आया होगा। सो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये आप हेलमेट कहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो अब मैं आपको ये हेलमेट पहन के दिखाता हूँ। सो ये हेलमेट की फिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है एंड काफ़ी स्नग है, अंदर अच्छे से पकड़ लिया ये हेलमेट ने। आप देख सकते हैं कि मेरे स्पेक्स भी इजीली अंदर चले गए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनग्लास वाइजर दिया गया है, जो कि साइड से अप एंड डाउन होता है। सो ये भी काफ़ी यूजफुल है एंड आप साइड प्रोफाइल भी देख लीजिए हेलमेट का। सो बिग थम्स अप, वेरी गुड हेलमेट। सो ये हेलमेट पहनने के बाद काफ़ी कम्फर्टेबल था, काफ़ी स्नग फिट था इसका, जो कि होना भी चाहिए एक हेलमेट। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप आपके राइट साइज हेलमेट सिलेक्ट करें, बिकॉज ज़्यादा लूज हेलमेट सेफ नहीं होता है। सो ऑलवेज सिलेक्ट द प्रॉपर साइज ऑफ हेलमेट। सो ये जो हेलमेट है इसमें काफ़ी सारे ग्राफिक ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें जो कलर ऑप्शंस है वो मैट एंड ग्लॉस में दोनों अवेलेबल है। सो आप अपने मोटरसाइकिल के हिसाब से या अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से कलर स्कीम एंड ग्राफिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और वीडियोस इस चैनल पे जल्द आते रहेंगे। सी यू सून गाइस।